हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये हमारी टैली प्राइम फुल कोर्स की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से टैली प्राइम के अंदर अपनी किसी भी कंपनी को अल्टर कर सकते हैं, कंपनी को डिलीट कर सकते हैं और कंपनी को शट कर सकते हैं। यह हमारे टैली प्राइम का एक कम्प्लीट कोर्स है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कैसे आप टैली प्राइम के अंदर एक नई कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। ये उसके आगे की वीडियो है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम आपको सिखाएंगे कैसे आप अपनी किसी नई कंपनी के अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं, कंपनी को डिलीट कर सकते हैं और साथ ही अगर कंपनी को शट करना हो तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आपको बता दिया था कि आप किस तरीके से टैली प्राइम के अंदर अपनी एक न्यू कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर अपनी जीएसटी की डिटेल्स को इनेबल करके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये प्रॉपर एक कंप्लीट ट्रेनिंग है जो स्टेप बाय स्टेप चलेगी, तो आप सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज साथ के साथ देखते रहिएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं जो भी आप टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी को क्रिएट करते हैं अगर उसके अंदर अल्टरेशन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे सामने कंपनी आ रही है VKY मलिक। अगर इस कंपनी के अंदर हम अल्टरेशन करना चाहते हैं, अपने एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर, वेबसाइट या किसी भी तरीके का चेंज करना चाहते हैं, तो उसको चेंज करने के टैली प्राइम के अंदर अलग अलग तरीके के मेथड दिए गए हैं। यानी आप एक से ज़्यादा तरीके से टैली प्राइम के अंदर कंपनी के अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं। जो इसका सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको राइट साइड के अंदर एक ऑप्शन आएगा जिसके अंदर लिखा हुआ है कंपनी, जिसकी शॉर्टकट की है F3। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F3 की प्रेस करेंगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी और ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन दिख जाएगा अल्टर कंपनी। यहाँ से आप कंपनी को क्रिएट भी कर सकते हैं, कंपनी को अल्टर भी कर सकते हैं, नई कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहीं से कंपनी शट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कंपनी को अल्टर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम अल्टर कंपनी पर आ जाते हैं। अब यहाँ से अगर आप अपनी कंपनी के अंदर किसी भी तरीके की अल्टरेशन करना चाहते हैं, जैसे उसके नेम को चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, देन यहाँ पे स्टेट वगैरह, पिन कोड, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी या वेबसाइट किसी भी तरीके का चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप अपनी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर या बुक बिगनिंग ईयर इनको चेंज करना चाहते हैं तो आप अल्टर के अंदर आके कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अल्टरेशन का एक तरीका। तो यहाँ से हम दोबारा से गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। अब गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिस पे लिखा हुआ है कंपनी। यहाँ पे आप देखेंगे आपको कंपनी दिखेगा जिसकी शॉर्टकट की है Alt+K। जैसे हम अपने कीबोर्ड से Alt+K टाइप करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने काफ़ी सारे अलग अलग तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा क्रिएट क्या आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम नई कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। तब उसके नीचे दोबारा से हमें अल्टर का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से भी हम कंपनी को अल्टर कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक कर देते हैं, सेम वही स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी, यहाँ से भी हम कंपनी अल्टर कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे चेंज, यहीं से आप कंपनी वगैरह को चेंज भी कर सकते हैं। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो जितनी भी कंपनीज हमने क्रिएट की होंगी सारी ड्रॉपडाउन लिस्ट में यहाँ पे आ जाएगी। अभी हमारे केस में यहाँ पे हमने एक ही कंपनी को क्रिएट किया है तो यहाँ पे हमें एक ही शो हो रही है, तो यहाँ पे हम एक कंपनी और क्रिएट कर देते हैं जिससे दो कंपनी हमारे यहाँ पे शो हो जाएगी और उसके बाद हम किसी कंपनी को शट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी पर आ जाते हैं। देन यहाँ पे नॉर्मल किसी कंपनी को ओपन कर लाते हैं, एग्जाम्पल के लिए VKY मलिक डेमो। तो यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को हम एज इट इज रखते हुए इसको Ctrl+S एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ पे हमारी शॉर्टकट की बिल्कुल सेम ही रहेगी। उसके बाद ये प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया था कैसे कंपनी क्रिएट करने के बाद अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो और टैक्सेशन फीचर ये सारे एक जगह में आ जाते हैं। इन सब को हम इग्नोर करते हुए Ctrl+S इसको भी एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी दो कंपनियाँ क्रिएट हो चुकी है। आप देखेंगे एक कंपनी हमारी VKY मलिक, दूसरी कंपनी VKY मलिक डेमो जो अभी हमने क्रिएट की है। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, अगर आप दोबारा से कंपनी वाले टैब पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे चेंज पे आएंगे तो आपको दो कंपनियाँ यहाँ पे शो हो जाती हैं कि कौन सी कंपनी आपने सेलेक्ट करनी है।
और आपके केस में जितनी भी कंपनीज आपने टैली ERP 9 से टैली प्राइम के अंदर इंपोर्ट की है या जितनी भी कंपनियों का बैकअप आपने इसके अंदर रिस्टोर किया है वो सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसमें से आप किसी भी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी को शट करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे दो कंपनी हमारी ओपन है, हम एक कंपनी को यहाँ पे ओपन रखना चाहते हैं तो दूसरी कंपनी को हमें शट करना होगा। तो एक तरीका तो हमारा वही है, यहाँ पे आप देखेंगे आपको कंपनी ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए या शॉर्टकट के लिए अपने कीबोर्ड से F3 ये प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आने के बाद शट कंपनी पाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपको शट कंपनी का आ रहा है और यहाँ से आप किसी भी कंपनी को शट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए VKB वाली कंपनी पर हम क्लिक करते हैं तो ये कंपनी हमारी यहाँ से शट हो जाएगी। अब एक ही कंपनी हमारी टैली प्राइम के अंदर ओपन है, VKB मैंने एक डेमो। तो टोटल दो तरीके हमने आपको बताए, पहला तरीका आप यहाँ पे कंपनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप यहाँ पे कंपनी वाले टैब पे क्लिक कर सकते हैं, ऊपर की तरफ इसकी शॉर्टकट की है Alt+K, सेम तीनों फीचर यहाँ पे भी दिख जाते हैं, सेम तीनों फीचर आपको यहाँ पे भी दिख जाते हैं। तो यहाँ पे हम दो तरीकों से कंपनी को शट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अभी तक हमने आपको बताया कैसे आप किसी भी कंपनी को अल्टर कर सकते हैं, उसे शट कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कंपनी किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तरीके हमेशा दो ही रहेंगे, आप देखेंगे एक तो हमारा ये कंपनी वाला ऑप्शन, देन दूसरा यहाँ पे कंपनी वाला ऑप्शन, कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी शॉर्टकट की है वो हमारी F3 है, जिससे काफ़ी जल्दी से हम शॉर्टकट की मदद से कमांड को कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी कंपनी है VKY मलिक डेमो, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अल्टर कंपनी के अंदर आना होगा, क्योंकि किसी भी तरीके की अल्टरेशन हमारी अल्टर कंपनी के अंदर आके ही होती है। सेकंड ऑप्शन हमें दिख रहा अल्टर कंपनी, इस पे आएंगे तो ये कंपनी हमारी अल्टर होने वाली स्क्रीन पे आ जाएगी। अब यहाँ से इसकी जो डिलीट की शॉर्टकट की है वो बिल्कुल सेम ही रहेगी जिस तरीके से टैली ERP 9 के अंदर होती थी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे टैली प्राइम के अंदर आपको नीचे की तरफ वो ऑप्शंस नहीं दिख रहे जो टैली ERP 9 के अंदर दिखते थे। यानी नीचे आपको ऑप्शन आता था डुप्लीकेट, डिलीट, कैंसिल, वो सारे फीचर यहाँ नहीं दिख रहे, लेकिन उनकी शॉर्टकट की बिल्कुल सेम रहेगी Alt+T। जैसे हम Alt+T टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने डिलीट की कमांड आ जाएगी और यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, यस या नो। तो जैसे हम यहाँ पे Y प्रेस करेंगे या एंटर करेंगे तो ये कंपनी हमारी सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगी। अब आप देखेंगे जो हमारी लिस्ट ऑफ कंपनी है वहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी शो हो रही है, एक कंपनी हमने यहाँ पे डिलीट कर दी है। तो आई होप आप इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे कि किस तरीके से टैली प्राइम के अंदर कंपनी डिलीट, अल्टर और शट की जाती है। ये प्रॉपर हमारी वीडियो का एक कोर्स चलेगा, ये इस वीडियो की सेकंड वीडियो थी, अभी हम स्टार्टिंग में बेसिक वीडियोस को कवर कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे टैली प्राइम के सारे एडवांस टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कैसे आप टैली प्राइम के अंदर किसी भी कंपनी के डेटा का बैकअप लेते हैं, देन उसको रिस्टोर करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फोन पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स लाए विद सर्टिफिकेट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkybmalik.in पर आ जाइए, जिससे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपुलर कोर्सेज आ जाएंगे और यहाँ से आपको सिंपल इस कोर्स के अंदर आना है जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यहाँ से आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500। 500 के अंदर ये कोर्स आपको लाइफ टाइम तक प्रोवाइड किया जाएगा विद सर्टिफिकेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न इन दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग, यानी इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो हमने यहाँ पे डिटेल में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे नेक्स्ट है हमारा व्हाट वी ऑफर, यानी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिकल फाइल भी देंगे जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं और साथ ही में जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हु दिस कोर्स इज फॉर, यानी ये कोर्स किन लोगों के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल भी चलाना नहीं जानते, आप बिगनर्स हैं, तो आपके लिए कोर्स काफी यूजफुल होगा और साथ ही में अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं तो आपके लिए भी कोर्स काफी यूजफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको दी जाएंगी जिससे आपकी नॉलेज पहले से और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी।
और इतने नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलेस प्रोवाइड किए जाएंगे कि कितने तरीके के फॉर्मूलेस होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हर वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए फाइल वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो नीचे की तरफ आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। जिस वे में इन वीडियोस के अंदर समझाया गया, प्रॉपर कोर्स भी आपको उसी वे में समझाया जाएगा। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर आपको लाइफ टाइम तक ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी विद सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट वगैरह से आपको ये नॉलेज रहेगी कि आपने कहां से इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे।